अब दिग्विजय सिंह जी, आपकी न्यूज़ की खबर बने रहे इसलिए जैसे बॉलीवुड में और हॉलीवुड में सेंसेशनल मूवीज़ होती है ना, जिनका आधार कुछ नहीं होता। एक राइटर जिसके दिमाग में केवल गंदगी भरी रहती है, वो एक फिल्म लिख देता है और वो फिल्म बन जाती है और उसके माध्यम से सेंसेशन फैलाने की एक कुकृत्य समाज में होता। ऐसे ही दिग्विजय सिंह जी राजनीति में सेंसेशनल न्यूज़ देकर मीडिया की खबर बनने की आदत से मजबूर हैं। आतंकवादियों को संरक्षण देना, यही तो आतंकवादी मानसिकता का परिचायक है। अफजल को गुरु कहना, यही तो आपकी आतंक की परिधि में आपके विचार हैं, इसको इंगित करता है। पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ बातचीत करना, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना, सनातन धर्म की इज्जत को कम करना, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से सनातन को पूरी दुनिया में बदनाम करना, दिग्विजय सिंह जी यही मानसिक आतंकवाद है और आप उससे पीड़ित हैं। मुझे लगता है कि सही मायने में दिग्विजय सिंह जी के बयान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पर वो तो कह रहे हैं आपकी सरकार है, आप कार्रवाई कीजिए अगर मेरे यहाँ से कोई रिलेशन है तो। नहीं, रिलेशन है ना, बोल रहे हैं ना। अब वो चैलेंज क्यों कर रहे हैं फिर मीडिया की सुर्खियाँ बनने के लिए बातें कर रहे हैं। मैं फिर निवेदन करूँगा, ना अपना समय ख़राब करिए ना दूसरे का समय ख़राब करिए। दिग्विजय सिंह जी पर उम्र का असर है, उनको माफ़ करिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।